हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है अभिषेक। और गाइस, आज के इस वीडियो में यार आपको मैं टॉप 7 बेस्ट ऐसे स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ जो कि 20,000 रुपये की प्राइस में आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे इसमें नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स भी है, चाइनीज स्मार्टफोन्स भी हैं, तो आपके बजट के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके प्राइस के हिसाब से भाई बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस, अभी हमने जस्ट यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो सभी को यार थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की वजह से यार आज हम यहाँ पे आ पाए हैं, 3 साल का हार्ड वर्क के बाद आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा गाइस, वो आप मेरे चैनल पे देख लेना। लेकिन गाइस अभी के लिए यार थैंक यू सो मच शुरू से यार सपोर्ट करने के लिए। जो भी लोग हैं, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को काफ़ी अच्छा लगता है यार, आप मोटिवेट करते हो, आप ही की वजह से आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग गैलेक्सी M21। अब गाइस इस फोन का प्राइस 14,000 रुपीज़ है, 4GB 64GB वेरियंट मैंने इसको ऑर्डर कर चुका हूँ, कल मेरे पास ये स्मार्टफोन आएगा। मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब गाइस ये जो स्मार्टफोन है 12,700 रुपये का लॉन्च हुआ था इसका बेस वेरियंट। इस फोन में गाइस आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि इस प्राइस में आपको एकदम बेस्ट डिस्प्ले है। इस प्राइस में इससे बेटर डिस्प्ले आपको और कोई स्मार्टफोन नहीं दे सकता है। इस फोन में 60Hz का डिस्प्ले है, तो ठीक है यार, अगर आपके लिए हाईएस्ट रिफ्रेश रेट ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है। इसका डिस्प्ले पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, यानी कि प्लास्टिक बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक सैमसंग का फोन है ये यहाँ पर देखने वाली बात है। 48 MP का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप पीछे दिया गया, एक अल्ट्रा वाइड एक मैक्रो कैमरा भी है, और यहाँ पर 20 MP की सेल्फी आपको मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी गाइस यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है यार, 2 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ इजीली आपको मिल जाएगा। 15W की चार्जिंग है जो कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 2 से 2.5 घंटे इस फोन को चार्ज होने में लग जाते हैं। लेकिन गाइस जो प्रोसेसर है ना यार, वो एक्सिनोस का 9611 दिया गया है जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी गेमिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो आप स्मार्टफोन को परचेज ना करना, बहुत ही लाइट गेमिंग आप कर सकते हो, बैलेंस पे आप यहाँ पे पबजी चला पाओगे, थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सैमसंग के फोन जनरली गेमिंग के लिए नहीं होते हैं, और सारे सैमसंग के फोन्स में एक्सिनोस 9611 मिलेगा 15,000 से 25,000 तक। अगर आप सैमसंग का फोन चाहते हो, अच्छी डिस्प्ले अच्छी बैटरी लाइफ आपकी प्रायोरिटी है, तो यार ये फोन काफी ज्यादा बढ़िया है, आप इसको अभी भी स्टिल परचेज कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो सेकंड फोन हमारी लिस्ट में हुआ है, Redmi का Note 9 Pro, ये आपको 14,000 रुपीज़ में मिल जाता है जो कि गाइस यहाँ पे 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। सेंटर पंचोल आपको देखने के लिए मिलता है, पीछे गाइस इसमें भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। जो मेन कैमरा है 48 MP का यहाँ पे दिया गया, एक अल्ट्रा वाइड है, एक मैक्रो है, एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है गाइस वो यहाँ पे 16 MP की सेल्फी दी गई है, और ओवरऑल ग्लास बॉडी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फोन है, कमाल का हेडफोन जैक का आउटपुट है, और इस फोन की जो बैटरी है गाइस वो 5020 mAh की देखने के लिए मिलती है, और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो बैटरी बैकअप के मामले में ये फोन काफी ज्यादा जबरदस्त है, और कैमरास भी गाइस काफी अच्छे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के स्पेशली काफी अच्छा फोन है। 15,000 रुपीज़ में बेस्ट कैमरा फोन मैं इसको बोल सकता हूँ, काफी अच्छी इमेजेस और वीडियोस ये रिकॉर्ड कर लेता है। इवन की गाइस इसके अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है, और सारे ही जितने मैं फोन बता रहा हूँ सबके अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज है। LPDDR4X की रैम है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और ओवरऑल गाइस काफी अच्छा फोन है। बस इसके अंदर जो कॉन्स है वो MIUI जिसके अंदर एड्स देखने के लिए मिलते हैं भर भर के, और ऊपर से इसकी फ्लैश सेल, जो दो कमियां है, अगर आपको वो इफेक्ट करती है तो भाई बिल्कुल भी स्मार्टफोन को परचेज मत करना। अब गाइस जो नेक्स्ट फोन है यार वो मोटोरोला की तरफ से आता है, मोटोरोला भी भाई चाइनीज ही है, लेनोवो के अंडर आता है मोटोरोला। ये 17,000 रुपये में गाइस आपको मिलता है, 6.28 GB वाला वेरिएंट। ये फोन काफी बढ़िया है यार, 6.5 इंच की यहाँ पर आपको बेजललेस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया है यार। IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलती है, तो डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ ये स्मार्टफोन आता है, लेकिन गाइस इस फोन में जो प्रोसेसर है यार वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है। इस प्राइस में ये आपको पोको X2 और रियलमी X2 में भी देखने के लिए मिलता है सेम प्रोसेसर। इस फोन में गाइस 64 MP का क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 64 है, एक अल्ट्रा वाइड 8 MP का मैक्रो और डेप्थ सेंसर। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी गाइस आपको यहाँ पे पॉपअप वाला मिलता है 16 MP का, तो पॉपअप अगर आपको कैमरा सही लगता है तो इस प्राइस में आपको मिल रहा है। बैटरी काफी बढ़िया है, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है, 18W की फास्ट चार्जिंग है, हाईफाई डेक आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि हेडफोन जैक का आउटपुट भी काफी कमाल का है, और इसका जो कैमरा है गाइस वो काफी ज्यादा केपेबल है, इवन की पोको X2 के कैमरा को यहाँ पे टक्कर दे देता है। सो गाइस इस फोन की जो मेन हाईलाइट है यार वो स्टॉक एंड्रॉइड है, इसमें क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है जो कि यार एड्स फ्री यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा जो कि बाकी स्मार्टफोन्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जनरली MIUI वगैरह या फिर Xiaomi के फोन्स में। तो वो एक USP हो सकती है, अगर आपको कस्टम UI पसंद नहीं आता है तो ये आपके लिए चॉइस हो सकती है, और काफ़ी अच्छा फोन है, मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो आप वेट भी कर सकते हैं इसका। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एक और फोन यहाँ पे सैमसंग का जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M30S जो कि आपको 16,500
₹500 की प्राइस में मिलता है। इसका 6GB 64GB। अब गाइज ये फोन भी काफी ज्यादा सिमिलर M21 से, यहाँ पर थोड़ी सी बेटर चीज आपको मिल जाती है। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे ऐसे नॉच आपको देखने के लिए मिल जाती है ऊपर। एक्सिनोस का सेम प्रोसेसर यहाँ पर भी यूज किया गया है, 9611। अब गाइज ये भी फोन भी यहाँ पे UFS 2.1 की स्टोरेज के साथ आता है, LPDDR4X की रैम है ये, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले 60Hz देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइज जो डिस्प्ले क्वालिटी वो अमेजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे क्वाड कैमरे का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। M21 में 48 मिलता है, यहाँ पे 64 है। कैमरे की क्वालिटी यार अमेजिंग आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, अगर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हो काफ़ी कमाल का कैमरा है। सैमसंग ही सेंसर लगाया गया है, अल्ट्रा वाइड और यहाँ पे मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है यार इस फोन की। अगेन यहाँ पर भी आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है और 15 वॉट की सैमसंग की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, लेकिन ओवरऑल गाइस सैमसंग का फोन है, वन यूआई 2 के साथ आता है, तो काफी अच्छा पैकेज। अगर आपको एक सैमसंग का फोन चाहिए 17,000 रुपए के अंदर, तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और स्मार्टफोन की, जो कि है Poco X2। 17,500 रुपए की प्राइस इस फोन की हो चुकी है भाई। ये फोन 16,000 रुपए का लॉन्च हुआ था बेस वेरियंट, आज इस फोन का 1,500 रुपए प्राइस बढ़ चुका है। 17,500 रुपए में 664GB आपको मिल जाएगा। Poco X2 यार नाम ही काफी है। 6.67 इंच की एक आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अमेजिंग फोन है गाइस, मैं इसकी वीडियोस अपने चैनल पर सारी बना चुका हूं, गेमिंग टेस्ट, पबजी टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट सब आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर सारी फोन्स का, तो चेक कर लेना। इस फोन में गाइस आपको डुअल पंच होल देखने के लिए मिलता है फ्रंट में, जो कि अलग अलग कैमराज है, 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल वाले, और ओवरऑल जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है 500 nits की, अमेजिंग गाइज बेस्ट डिस्प्ले है ये 20,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन में। IPS LCD की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो सोनी के सेंसर के साथ आता है और 20,000 रुपये की प्राइस में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हो। ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है गाइज, अगर आप इसको कैमरा के लिए अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो जरूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की गाइज यहाँ पे हम बात करें तो 4500mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है और आपको 27W की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिल जाता है। लेकिन गाइज 120Hz पे इसकी जो बैटरी लाइफ है वो उतनी ज़्यादा कमाल की नहीं है, 60Hz पे यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। थोड़ी बहुत गाइज यहाँ पे यूजर यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं बैटरी ड्रेनिंग इशूज वगैरह Poco X2 में, लेकिन गाइज मैंने इस फोन को प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज किया है, काफ़ी अच्छा फोन है। थोड़ी सी बैटरी लाइफ आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू Note 9 Pro Max, सैमसंग के फोन्स या फिर और भी जो इस प्राइस में फोन्स आते हैं, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हो अगर आपका प्राइसिंग वगैरह है, और आपको ये फोन मेनली सेल में मिल जाता है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है यार कोई फोन। अब जो नेक्स्ट फोन है गाइज हमारी लिस्ट के अंदर वो Realme X2। अब गाइज इस फोन का जो प्राइस है यार वो 464GB के लिए 18,000 रुपये है और 20,000 रुपये में आपको 6128 मिलता है। मैं आज के टाइम में इस फोन को रिकमेंड सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन मिलती है और ओवरऑल जो स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मेरे को कोई फोन खरीदना हो 18,000 रुपये में तो मैं Realme X2 को यहाँ पे चूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने इस फोन को यूज़ भी किया, काफ़ी अच्छा फोन है। यहाँ पे गाइज जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.4 इंच की, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। अमेजिंग गाइज डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ गाइस जो कैमरा सेटअप है वो भी काफी बढ़िया, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा यहाँ पे सेटअप मिलता है। ग्लास बिल्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, सबसे बड़ी बात कॉर्निगोला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है यहाँ पर, तो ये काफी बढ़िया बात है। बस इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा डाउनग्रेड है, बट मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है जिनको यहाँ पे हाईर रिफ्रेश रेट यहाँ पे पसंद आता है। फोन में यार जो प्रोसेसर है वो मेन काफ़ी बढ़िया है, Qualcomm Snapdragon 730G मिलता है, जो कि काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छी गेमिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, 40fps पे कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, वो अलग बात है। लेकिन गाइस इस फोन की जो बैटरी है वो 4000mAh बैटरी यहाँ पे दी गई है आपको, जो फास्ट चार्जिंग है वो 30W की यहाँ पे दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल भी इस फोन की mAh पे मत जाना, यहाँ पर 4000mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो ये यहाँ पे आउट परफॉर्म कर देता है Realme 6 Pro, इवन Realme 6 जैसे स्मार्टफोन्स को। आप बैटरी ड्रेन टेस्ट वगैरह देख सकते हो इसका, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाइस 18,000 रुपये की प्राइस में काफ़ी अच्छा फोन है Realme X2, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अच्छे कैमराज आपको मिलते हैं, अच्छी बिल्ड मिलती है, और ओवरऑल Realme का ज़्यादा बेटर डिवाइस है। मैं Realme 6 Pro को रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसकी जो ब्राइटनेस इश्यूज वगैरह हैं उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, डिस्प्ले की उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है और क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी आपको Realme X2 के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो Realme 6 Pro को मैं उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं। Realme 6 Pro में जस्ट मुझे एक बैक का डिजाइन अच्छा लगता है और कुछ भी यहां पर पसंद नहीं आया था। उसके बाद गाइस एक और स्मार्टफोन है 17,000 रुपए की प्राइस में, Redmi का Note 9 Pro Max। इसको पहली सेल से यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, काफी टाइम हो चुका है और काफी बढ़िया फोन है यार। 6.67 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, सेंटर पंच होल है, सेम Redmi Note 9 Pro की तरह ही सेम डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। बट गाइस यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है और बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि सैमसंग के GW1 सेंसर के साथ आता है।
और ओवरऑल कैमरा क्वालिटी अमेजिंग है गाइज, फ्रंट फेसिंग रियर फेसिंग काफी ज्यादा बढ़िया फोन है। ग्लास बिल्ड के साथ यहाँ पे आता है। जो प्रोसेसर है गाइज वो स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, जो कि काफी हद तक सिमिलर है 730G के, और ओवरऑल काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। हेडफोन जैक का आउटपुट काफी अच्छा है। 5020mAh की बैटरी मिलती है, काफी अमेजिंग बैटरी लाइफ है गाइज, इजीली आपको 2 दिन की बैटरी लाइफ ये स्मार्टफोन दे सकता है। अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो, अगर आप हैवी यूजर हो तो भी 1 दिन बड़े आराम से निकाल देगा। फास्ट चार्जिंग 33W की मिलती है, अमेजिंग चार्जिंग स्पीड्स आपको मिल जाती है, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास बड़े आराम से चार्ज हो जाता है। गाइज यूएफएस 2.1 की स्टोरेज भी मिल जाती है, LPDDR4X रैम है। ऊपर से गाइस जो हैप्टिक फीडबैक, जो वाइब्रेशन है इस फोन की काफी अमेजिंग है यार, मिड रेंज में और किस स्मार्टफोन में ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता। हेडफोन जैक भी काफी बढ़िया है और ओवरऑल काफी अच्छा फोन है। बस इसके अंदर जो मेन इश्यूज है, फ्लैश सेल में मिलता नहीं है और एड्स इसके अंदर भर भर के मिलते हैं, तो 2 कमियां ये आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आपको इजीली फोन मिल जाता है तो आप परचेज कर लेना, नहीं तो शायद आप इसको परचेज ना करो। तो काफी अच्छा फोन है, पोको एक्स टू को काफी अच्छी टक्कर दे देता है हर एक चीज में, इसको भी आप देख सकते हो। अब गाइस जो लास्ट स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट में वो भी एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, सैमसंग की तरफ से आता है, एक बोनस स्मार्टफोन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A50s। काफी पुराना हो चुका है फोन गाइस, बट स्टिल गाइस अगर आपको इसका 4 128GB वेरियंट मिलता है 18,500 में, किलर डील मैं बोलना चाहूंगा, 20,000 रुपये में बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आप आज के टाइम में परचेस कर सकते हो सैमसंग के थ्रू। चूंकि गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स है, 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, जो थोड़ा सा स्लो है बट हाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ जो कैमरा सेटअप है 48MP का यहाँ पर रियर कैमरा में दिया गया है, ट्रिपल है यहाँ पर, क्वाड कैमरा नहीं है। पर गाइस इसकी जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है M31 के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो M31 वो काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन वीडियो परफॉर्मेंस A50s में आपको अच्छी मिलेगी। तो वीडियोस वगैरह ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, YouTube वीडियोस, तो ये अच्छा फोन हो सकता है आपके लिए। 32MP की सेल्फी है, UFS 2.1 की स्टोरेज, LPDDR4X रैम मिल जाती है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट सारे ही फोन्स में ऑलमोस्ट मिल जाता है जितने भी मैंने आपको बताया। बट गाइस जो A50s है उसमें कुछ यूनिक फीचर्स है सैमसंग के, जैसे कि सैमसंग पे तो आप जस्ट इस तरीके से किसी भी मशीन के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर वन UI में आपको एज लाइटिंग वगैरह मिल जाती है और काफ़ी सारे वन UI वाले फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको M सीरीज़ के फ़ोन्स में नहीं मिलते हैं, तो वो एक एडवांटेज है इस फोन को लेने का। और AMOLED डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी वगैरह इस फोन की अच्छी है। 4000mAh की बैटरी है, 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, लेकिन बैटरी लाइफ आपको इस फोन से अच्छी मिल जाएगी। 18,500 रुपये में सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर ये है। तो गाइस ये कुछ स्मार्टफोन है जो कि चाइनीज़ नॉन चाइनीज़ आपको मैंने यहाँ पर रिकमेंड कर दिए हैं। अब गाइस आप बोलोगे मैंने इसमें एक स्मार्टफोन इंक्लूड नहीं किया जो कि Realme 6 है भाई, उसका प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है। 15,000 रुपये में आपको 4GB 64GB वेरिएंट मिलता है जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब उतना कुछ खास नहीं बचा है इस फोन में, प्राइस टू परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।